बाबा साहेब तो वीडियो किस लिए बनाते हैं आप? इसलिए बनाते हैं। हाँ, ऐसे संविधान किसने लिखा? ओरिजिनल संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, संविधान हाँ, किसने लिखा? किसने लिखा? हाँ, मोदी जी ने क्या बताया आपको? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा, आपको मालूम है? आपको मोदी जी ने क्या बताया? हम नरेंद्र मोदी को बात नहीं कर रहे, सुनिए बात सुनिए, हम भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं ना। मतलब किसी एक मूर्ख आदमी ने आपको जो है कुछ बता दिया तो उसकी बात मान लें, और नहीं, दुनिया के हाँ तमाम जो, अच्छा ये बताइए जो जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी स्पेशलिटी क्या थी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ओरिजिनल संविधान लिखा है। नहीं मान लेते हैं, चलिए। कितना पढ़ा लिखे थे वो? आप पढ़े कितना पढ़ा लिखे थे वो? लिखे नहीं है, ये भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी का मेंबर थे। अरे ड्राफ्ट कमेटी का भाई, मेरा क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण नाम पड़ेगा, भीमराव चंद्रभूषण। तो अम्बेडकर चंद्रभूषण, ड्राफ्ट ड्राफ्ट चंद्रभूषण कमेटी जी, का मेंबर थे। हाँ, चंद्रभूषण जी, मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, सुनिए लेकिन तो आप। सुनिए पहले मेरी बात। हाँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमें कुछ भी कह दे तो हम यूं का तू तो ना मान लें उसको। नहीं, लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है सर, प्रेम बिहारी नारायण मैं रायजादा ने क्या बोल रहा लिखा। हूं आपको, कहीं लिखा हुआ है तो किसी ने लिखा है, जब तो लिखा हुआ है ना। हाँ, ये बताइए आप, हाँ किसी ने लिखा है? डॉक्टर भीमराव में ड्राफ्ट कमेटी का मेंबर थे, उनको अभी माना गया। आप मेरी हम, बात सुनेंगे थोड़ा सा? हाँ बोलिए बोलिए। आपको किसी ने बताया, ठीक है, तो उस आदमी जिसने आपको बताया है ये उसकी मर्जी है कि आपको क्या बता रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपका अपना दिमाग है कि आप उसकी बात को ज्यों का त्यों मान लेते हैं या उसकी जांच करने के बाद नहीं, मानते लिखा हैं। हुआ है ना, लक्ष्मीकांत आप बुक नहीं सुनते है, बिल्कुल पूरा भी, यूपीएस आप सुनते ड्राफ्ट बिल्कुल भी नहीं हो। मेरी बात कमेटी का खत्म, पहले मेंबर थे, उनको माना जाता है। मेरी बात को खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप बात कीजिए। जो बात करने का जो शिष्टाचार है वो हमें पता होना चाहिए। हाँ, चलिए चलिए चलिए। अगर मैं कोई बात शुरू करता हूँ और मेरी बात को पूरा होने से पहले ही, खत्म होने से पहले आप अपनी बात कहने जाते हैं तो मेरी बात आपको पता चलेगी नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो कहीं पर लिखा गया किसी किताब में, तो किताब में किसी ने लिखा है और वो उसकी ओरिजिनल मर्जी है, संविधान भी वही फिर आप लिखे बीच हैं, में टोक ड्राफ्ट रहे हैं। कमेटी का आपको मैं इतनी मेंबर देर से थे। समझा, आपको आप नेट पर सर्च मार कर देख सकते हैं, नहीं पूरा नेट पर। अच्छा ये प्रेम बताइए कि बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है, हैंडराइटेड लिखा है, नेट पर कहाँ ओरिजिनल से, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये और बताइए नेट पर कहाँ से लिखा, किसने लिखा नेट पे? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंडराइटेड बाय, हैंडराइटिंग मतलब लिखे हुए हैं, उसी प्रेम पर बिहारी सुनिए, नारायण रायजादा ने। हाँ, नेट पर तो ये भी लिखा गया कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बलात्कारी पुरुष जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर है, मान लेंगे आप? नहीं 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 हमने क्यों पढ़े नहीं लिखे वर्ग मानेंगे? थे, नहीं क्यों नहीं सुनिए आप, मानेंगे आप, इस बात को बताइए मुझे आप। नहीं पढ़े लिखे वर्ग थे, उनको ब्राह्मण पढ़ाया था, ब्राह्मण अरे ने चंद्रभूषण उनको टाइटल दिया था, जी, चंद्रभूषण ब्राह्मण ने उनको ब्राह्मण की लड़की से शादी भी उनका हुआ था, ये भी मालूम है। जी, जो आपको बात पसंद हो उसको आप मान लो और जो आपको बात पसंद ना हो उसको बिल्कुल ना मानो, ऐसा चलेगा नहीं ना। ऐसे ही सुनिए, आप लोग बुद्धि धर्म अपनाने कहते हैं, हम लोग हम मानते हैं बुद्धि धर्म अपनाया जाता है ना। आपको मुझसे अभी बात करनी है या नहीं करनी है? आप बात सुन लीजिए, मेरे नहीं वीडियो आप सुना लीजिए, आपको, रिकॉर्ड। हाँ, बात करनी। अगर आपको बात ही सुनानी है तो मैं चुप रहता हूँ, आप बात सुना लो आराम से, फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। लेकिन इस तरह से बात नहीं बन अच्छा, पाएगी, कुछ करना है, कुछ कहना है तो मुझे ढंग से आप बताइए, ठीक है, ताकि मैं आपको ढंग से सुन सकूँ। फिर आप मुझे सुनिए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, तब तो आपका बात करने का मुझसे कुछ जो है उद्देश्य हल हो पाएगा। नहीं तो अगर आपको खाली मुझे सुनाना ही है तो दुनिया भर की किताबें हैं जो खाली सुनाती हैं, जिनको हम कुछ नहीं कह सकते। दुनिया भर के YouTube चैनल हैं जो सिर्फ सुनाते हैं, जिनको हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। अगर वैसा ही आपको करना है तो आप, मैं स्पीकर मेरा जो ऑन है, अपना फोन ऑन है मेरा जो है, ठीक है, मैं सुन लेता हूँ, आपको सुना दीजिए आप मुझे। नहीं, सब छोड़ दीजिए, वो इस बात करने से फायदा ही नहीं, डिबेट होगा तो ठीक है, चलिए। तो फिर आपको जब मैं कह रहा हूँ कि आराम से आप अपनी बात रखिए, मुझे भी कहने का मौका दीजिए, और जब मैं कहूँ तो आप चुप रहिए। अच्छा, ये बताइए, संविधान भीमराव अम्बेडकर पूजा जाए, हम लोग पूजा किए जाए कि उनका मतलब बात लिखे हुए हैं जो संविधान में, उनको समझा जाए, पहली आप बात ये तो ये बताइए। है कि अभी तक आप बोल रहे थे कि संविधान जो है बाबा साहेब ने नहीं लिखा, और अभी आप उनको बोल माना रहे हैं, जाता है, माना जाता है, माना जाता है।
लिखा है प्रेम बिहारी नहीं माना जाता है वाली बात नहीं है। आप कुछ भी बात उलझुल जो है आके मुझे बता रहे हो और ये कह रहे हो कि मैं इस बात को मानता हूँ और इस बात को नहीं मानता हूँ। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जिस आदमी के लिए आप कह रहे हैं कि उसने संविधान लिखा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? वो तो पढ़े हुए उनके पास मतलब 32 डिग्रियां थी। किसके पास? भीमराव अम्बेडकर के पास। नहीं, जिसके लिए आप कह रहे हैं उसके पास कितनी थी? उनको मेंशन किया गया है बस कि प्रेम बिहारी नारायण लिखा उनका मेंशन पूरा। आपने आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया जब आपको किसी ने ये मेंशन किया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा संविधान और इस व्यक्ति ने लिखा है, तो आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया उस वक्त? प्रेम बिहारी इनको ड्राफ्ट कमेटी का मेंबर खाली बनाया जाता है। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया बुक में पढ़ने के बाद? अब पूरा नेट पर भी आ रहा है उन्हीं का नाम। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा हम तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो ग्रेजुएशन आपने वैसे बुद्धि अप्लाई किए बगैर ही ग्रेजुएशन कर ली, ऐसे ही मानते मानते कर ली? ऐसे ही बताइए। अब हम बुद्धि किस लिए अपनाया जाए? अभी पहले वो वाली बात का निर्णय कर लें कि संविधान किसने लिखा है। हाँ, उससे बात कर लीजिए। हाँ, तो आप बताइए कि आपको किसी ने बोला या आपने कहीं पढ़ा तो आपने वैसे वैसे मान लिया कि ये जो है बिहारी जी ने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने लिखा है। आप सच मारिए, प्रेम बिहारी। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है आपको पता है? उनको मेंशन किया गया नाम। फिर मेंशन किया गया है आप करें? अरे यार, आप जो है आप बात कर, उनका मेंशन ही नहीं किया।